दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपको बंड फार्मर या रिज मेकर की यहाँ पर जानकारी दूंगा। हम अभी गन्ने की बुआई के लिए नालियाँ तैयार कर रहे हैं, ये कहलाती है रिज। इस रिज को बनाने के लिए हम लोग रिज मेकर का प्रयोग करते हैं या बंड फार्मर का प्रयोग करते हैं। अभी जो डिस्टेंस है दोनों बंड फार्मरों के बीच का, वो हमारा सेंटर टू सेंटर, इसके सेंटर से इसके सेंटर का जो है वो 1 मीटर है। इस 1 मीटर के दायरे में हम लोग 2 रो बना रहे हैं और उस 2 रो के अंदर हम लोग गन्ने की बुआई करेंगे। अब हम लोग इसे चलाकर देखते हैं। छोटे HP के ट्रैक्टर, 25 HP से लेकर 35 HP का ट्रैक्टर इसके लिए सफिशेंट होता है। अभी हम लोग इसे चलाएंगे। चलाने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक पहिया इस फरो में डबल से आना चाहिए, ये देखिए, अगला पहिया इस नाली में आना चाहिए, जिससे कि रिच अच्छी बनती है। देखिए अब चला के देखते हैं। इसमें अब हम लोग गन्ने को बोएंगे या गन्ने के डंडे को यहाँ पर पूरा रखेंगे गन्ने को, तो देखते हैं गन्ने की प्रोसेस कैसे हम लोग कर रहे हैं, आगे चल के आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अभी देखिए गन्ने की कटाई चल रही है यहाँ पर बुआई के लिए। ये देखिए इस तरह गन्ने को काट लिया जाता है। ये देखिए ये गन्ने की जो आई है, ये गन्ना काटने के बाद जब हम लोग बंड फार्मर से रो को बना लेते हैं, उस समय हम लोग उसके अंदर खाद भी डालते हैं। देखते हैं खाद कैसे डालते हैं। बंड फार्मर चलाते समय हमें पहले मिट्टी को भुरभुरी करनी है। आप इसमें रोटावेटर हैरो चला सकते हैं ताकि मिट्टी आसानी से भुरभुरी हो जाए। भुरभुरी होने के बाद हम लोग इसमें बंड फार्मर चलाएंगे। ये देखिए इस तरह अभी रो बन रही है हमारी। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।